चलिए इसके बाद हम जानते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रकार की या विशेष प्रकार की रेडॉक्स अनुमापन अभिक्रिया, या जिसे हम कहते हैं आयोडोमेट्री अनुमापन। इस क्रिया का काफ़ी महत्व है क्योंकि इसका उपयोग कई बार जो इकोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं उसमें, यानी कि तालाब में यदि जल है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए की जाती है। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मात्रा का ज्ञात करने के लिए या किसी भी दिए गए सैंपल में ऑक्सीडाइजिंग पदार्थ की मात्रा कितनी है, उसकी सांद्रता कितनी है, इसे ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से हम देखें कि जल के शुद्धिकरण के लिए, उसे रोगाणु रहित करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है, तो कभी कभी ये क्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाए तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। तो किसी भी पानी के सैंपल में क्लोरीन की मात्रा कितनी है, जैसे कि स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल के भी जल में क्लोरीन की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, तो उस जल के सैंपल में क्लोरीन की मात्रा कितनी है या जल के सैंपल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। हम जानते हैं कि क्लोरीन तथा ऑक्सीजन दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो इसकी मात्रा कितनी है इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम विशेष प्रकार के रेडॉक्स टाइट्रेशन का उपयोग करते हैं, जिसे हम आयोडोमेट्री टेस्ट कहते हैं। अब यह जो आयोडोमेट्री परीक्षण है, इसमें सबसे पहले हम अपना सैंपल लेते हैं, जो भी सैंपल हमें दिया गया है जिसमें हमें जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी सांद्रता, उसकी मात्रा को कैलकुलेट करना है, तो इसे हम एक आयोडोमेट्री फ्लास्क में ले लेते हैं और इसमें हम डालते हैं पोटेशियम आयोडाइड। और हम ये भी बता दें कि ये जो आयोडोमेट्री टाइट्रेशन होता है इसका उपयोग सीमित है, क्योंकि इसका उपयोग केवल उन्हीं अपचायकों, ऑक्सीकारकों तक ही सीमित होता है जो कि आयोडाइड आयनों, आई माइनस आयनों को I2 यानी कि आयोडीन में ऑक्सीकृत कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम सबसे पहले जो भी सैंपल है उसकी निश्चित मात्रा ले लेते हैं और उसमें हम डालते हैं पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पर जो आयोडाइड आयनों का स्रोत होता है वो होता है पोटेशियम आयोडाइड, और पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा हम आधिक्य में लेते हैं, इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि जो हमने ऑक्सीडाइजिंग सॉल्यूशन लिया है उसमें ऑक्सीकारक की मात्रा कितनी है, इसलिए हम यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड को अतिरिक्त मात्रा में एक्सेस में लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अम्लीय माध्यम रखा जाता है, इसके लिए हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं। और जब हम यहाँ पर इनके बीच क्रिया करते हैं तो चूंकि यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड के जो आयोडाइड आयन हैं उनको, जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, चाहे वो क्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या फिर मान लीजिए हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है, तो वह इन आयोडाइड आयनों को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। तो यदि मान लीजिए हम यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पर हम समीकरण लिख सकते हैं K2Cr2O7 प्लस यहाँ पर Ki पोटेशियम आयोडाइड से इसकी क्रिया कराएंगे, साथ ही हम यहाँ पर H2SO4 लेंगे क्योंकि अभिक्रिया का मिश्रण अम्लीय है। साथ ही साथ यहाँ पर जो उत्पाद बनेंगे वो होंगे क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, जल बनेगा और साथ में बनेगी आयोडीन, और इस तरह से आयोडाइड आयन आयोडीन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जैसे ही आयोडीन बनती है वैसे ही जो हमारा जो आयोडोमेट्री फ्लास्क होता है उसका जो विलयन होता है वो भूरे पीले रंग का हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जो आयोडीन है वो भूरे पीले रंग का विलयन बनाती है। लेकिन यहाँ पर हम एक और चीज़ बता दें कि इस तरह से जो आयोडीन बनती है वो जल में अविलेय होती है, और इसके लिए हमने चूंकि पहले ही बताया है कि पोटेशियम आयोडाइड हम एक्सेस में लेते हैं, अधिकता में लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो विलयन है उसमें अधिकता में, एक्सेस में
आयोडाइड आयन उपस्थित होते हैं। तो ये जो बनने वाली आयोडीन है, इन आयोडाइड आयनों के साथ मिलकर, आयोडीन जल में अविलेय है लेकिन ये अतिरिक्त आयोडाइड आयनों के साथ मिलकर I3- आयन, आयोडेट आयन में कन्वर्ट हो जाती है, हम कहें पोटेशियम आयोडेट Ki3 में कन्वर्ट हो जाती है और यह विलयन जो, यह पदार्थ जो होता है जल में विलेय हो जाता है और इसके विलेय होते ही विलयन भूरे पीले रंग का हो जाता है। इस तरह से अब ये जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ है, इसमें हम डालते हैं सूचक और यहाँ पर जो सूचक उपयोग में लाया जाता है वह होता है स्टार्च विलयन, क्योंकि हम जानते हैं स्टार्च विलयन आयोडीन के साथ क्रिया करके एक कॉम्प्लेक्स निर्मित करता है और जिसका कलर होता है नीला। तो जैसे ही इस अभिक्रिया मिश्रण में हम स्टार्च विलयन की कुछ बूंदें डालते हैं, विलयन का रंग नीला हो जाता है जो कि इसमें आयोडीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब यहाँ पर जो आयोडीन हमें प्राप्त हुई है, जो कि हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि सैंपल में उपस्थित था, उसके द्वारा आयोडाइड आयनों के ऑक्सीकृत करने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है, उसकी मात्रा हमें ज्ञात करनी होती है और इसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए अब हम इसका जो अनुमापन करते हैं वह सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के द्वारा करते हैं, जो कि यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है। अब ये जो सोडियम थायोसल्फेट है, इसकी निश्चित सांद्रता होती है और इसकी सहायता से, इसके द्वारा हम जो हमारा अभिक्रिया मिश्रण में आयोडीन प्राप्त हुई है, हम उस विलयन का टाइट्रेशन करते हैं। जैसे ही हम सोडियम थायोसल्फेट विलयन के द्वारा इससे टाइट्रेट करते हैं, यह पुनः आयोडीन को आयोडाइड आयनों में अपचयित कर देता है, क्योंकि मैंने बताया जो सोडियम थायोसल्फेट है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक की तरह कार्य करता है और जैसे ही पूरा आयोडीन पूरी तरह से आयोडाइड आयनों में कन्वर्ट हो जाती है, अब जो नीला रंग विलयन का होता है वह अदृश्य हो जाता है, क्योंकि जो कलर था वह स्टार्च आयोडीन के कॉम्प्लेक्स की वजह से था और यहाँ पर आयोडीन अब समाप्त हो गई है इसलिए विलयन में सिर्फ स्टार्च बचता है और इसलिए जो विलयन होता है वह रंगहीन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जितना भी सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन हमने उपयोग किया है वह उसकी मात्रा, उसका आयतन हम ज्ञात कर लेते हैं और इस आयतन की सहायता से हम आयोडीन की सांद्रता, आयोडीन की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं और फिर हम जो हमारा संतुलित समीकरण है उसका उपयोग करते हुए ये जान लेते हैं कि ये जो आयोडीन की मात्रा है वह कितने मात्रा में उपस्थित ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि हमारे सैंपल में उपस्थित था उसके द्वारा उत्पन्न किया गया है और इस तरह से सैंपल में उपस्थित ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मात्रा ज्ञात हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आयोडोमेट्री जो रेडॉक्स अनुमापन का एक उदाहरण है, यह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका सामान्य जीवन में तथा औद्योगिक रूप से काफ़ी महत्व है तथा प्रयोगशाला में तो ये बहुत अधिक उपयोगी हैं ही। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं वो विद्युत रासायनिक सेलों की आधार अभिक्रियाएं होती हैं, जो भी विद्युत रासायनिक सेल या बैटरी जिनका उपयोग हम करते हैं उनका जो निर्माण है वो इन्हीं रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर आधारित होता है। बहुत सारे जैसे कि ड्राई सेल या फिर सीसा संचायक सेल या भिन्न भिन्न प्रकार के जो विद्युत रासायनिक सेल हैं उनका जो निर्माण है वह रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर ही आधारित होता है। आइए अब हम अपचयोपचन अभिक्रियाओं यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं तथा इलेक्ट्रोड प्रक्रम को समझें। अध्याय के प्रारंभ में हमने देखा कि यदि जिंक क्रॉड को क्यूप्रिक सल्फेट विलयन में डुबाएं तो कुछ समय के बाद क्यूप्रिक सल्फेट का नीला रंग हल्का हो जाता है तथा जिंक रॉड पर कॉपर की परत जम जाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे बीकर गर्म हो जाता है। यह ऊष्मा रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न हुई है जिसमें जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तथा कॉपर का अपचयन हो रहा है, यानी यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा
ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। लेकिन यदि हमें इस ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है तो हमें कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक रॉड को अलग करना होगा। अतः हम एक बीकर में जिंक सल्फेट का एक मोलर विलयन लेकर उसमें जिंक की रॉड डुबा देते हैं तथा दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का एक मोलर विलयन लेकर इसमें कॉपर रॉड डुबा देते हैं। अभी इस स्थिति में किसी भी बीकर में कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। इस समय दोनों बीकर में धातु रॉड तथा विलयन के अंतरापृष्ठ पर एक ही तत्व के ऑक्सीकृत तथा अपचयित रूप उपस्थित रहते हैं। उदाहरण के लिए जिंक रॉड में जिंक अपने अपचयित रूप में है तथा विलयन में यह अपने जिंक आयनों यानी कि ऑक्सीकृत रूप में है। एक ही तत्व के ऑक्सीकृत तथा अपचयित रूप को एक साथ रेडॉक्स युग्म कहा जाता है और इन्हें दर्शाने के लिए ऑक्सीकृत रूप को पहले तथा अपचयित रूप को बाद में लिखा जाता है तथा दोनों के मध्य एक खड़ी लाइन खींची जाती है। यहाँ पर हम बता दें कि जैसे ही धातु रॉड को उसी धातु के लवण में डुबाया जाता है तो धातु की प्रवृत्ति धातु आयनों के रूप में विलयन में जाने की होती है तथा विलयन में उपस्थित धातु आयनों की प्रवृत्ति धातु के रूप में रॉड पर आकर अपचयित होने की होती है। यह प्रवृत्ति धातु के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति तथा धातु आयनों के अपचयित होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। यदि धातु की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है तो रॉड में से अधिक मात्रा में धातु आयन के रूप में विलयन में चली जाती है, फलतः धातु रॉड पर ऋण आवेश आ जाता है, जबकि धातु रॉड के सापेक्ष विलयन धन आवेशित हो जाती है। दूसरी ओर यदि विलयन में से धातु आयनों की प्रवृत्ति रॉड पर अपचयित होने की अधिक होती है, इस स्थिति में धातु रॉड विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है, जबकि विलयन धातु रॉड के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाता है। दोनों ही स्थितियों में धातु रॉड तथा विलयन के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इस तरह से तैयार दोनों इलेक्ट्रोडों को अब हम पास पास रखते हैं तथा दोनों विलयनों को लवण सेतु से जोड़ देते हैं। लवण सेतु यू आकृति की कांच की बनी नली होती है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट के घोल को अगर अगर के साथ उबालकर यू नली में भरकर ठंडा कर लिया जाता है। इस तरह दोनों विलयनों को बिना एक दूसरे से मिलाए इन्हें वैद्युत संपर्क प्रदान किया जाता है। साथ ही जिंक तथा कॉपर की छड़ों को वोल्टमीटर तथा स्विच के साथ धातु के तार से जोड़ देते हैं। जब स्विच ऑफ स्थिति में होती है तो किसी भी बीकर में कोई अभिक्रिया नहीं होती है तथा धातु तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं अभिक्रिया होने लगती है तथा जिंक की रॉड घुलने लगती है, जबकि कॉपर की रॉड पहले से अधिक मोटी हो जाती है। वास्तव में यहाँ पर जिंक रॉड में से जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड में छोड़कर विलयन में जिंक 2+ आयनों के रूप में जाने लगता है, अर्थात जिंक का ऑक्सीकरण होने लगता है, क्योंकि जिंक की अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है। ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड पहुंचते हैं, जिसे कॉपर सल्फेट विलयन में उपस्थित कॉपर 2+ आयनों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तथा कॉपर 2+ आयन कॉपर रॉड पर एकत्रित या निक्षेपित होने लगते हैं, क्योंकि कॉपर का यहाँ अपचयन हो रहा है, क्योंकि कॉपर के मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक होता है। एक बीकर के घोल से दूसरे बीकर के घोल की ओर विद्युत धारा का प्रवाह लवण सेतु के माध्यम से आयनों के अभिगमन द्वारा होता है। वास्तव में जिंक रॉड से लगातार जिंक 2+ विलयन में जाने से विलयन जिंक प्लस की
विलयन में जिंक प्लस की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप जिंक की वापस जिंक रॉड पर अपचयित होने की प्रवृत्ति हो जाती है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट विलयनों से कॉपर के निकल जाने से विलयन में सल्फेट आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे विलयन ऋणावेशित होने लगता है, जिसे उदासीन करने के लिए अपचयित कॉपर 2 प्लस आयन वापस विलयन में जाने लगेंगे तथा इस स्थिति में सेल अभिक्रिया बंद हो जाएगी। अतः विलयन की उदासीनता को बनाए रखने के लिए तथा सेल अभिक्रिया को सुचारू रूप से चलने के लिए लवण सेतु में उपस्थित पोटेशियम प्लस आयन कॉपर सल्फेट विलयन में पहुंचते हैं तथा सल्फेट आयनों को उदासीन कर देते हैं। इसी तरह से क्लोराइड आयन जिंक सल्फेट विलयन में जाकर जिंक 2 प्लस आयनों को उदासीन करते हैं। इस तरह दोनों बीकरों के घोल में लवण सेतु के माध्यम से आयनों के अभिगमन द्वारा परिपथ पूर्ण हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर लगातार गति करने लगते हैं तथा विद्युत धारा इसी की विपरीत दिशा में बहती रहती है। इस पूरी अभिक्रिया को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस आयन इज इक्वल टू जिंक 2 प्लस आयन प्लस कॉपर। चूंकि जिंक इलेक्ट्रोड में जिंक का ऑक्सीकरण होता है, अतः इसे ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहते हैं तथा जिंक रॉड को एनोड कहते हैं, यह ऋणावेशित होता है। दूसरी ओर कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है, अतः इसे अपचयन अर्ध सेल कहते हैं तथा इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं, यह धन आवेशित होता है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड में होने वाली अभिक्रिया को पहले धातु राड लिखा जाता है, उसके बाद उसकी विलयन में उपस्थित आयनों को दर्शाया जाता है तथा दोनों के मध्य एक खड़ी रेखा खींच दी जाती है, जो कि धातु रॉड तथा विलयन के मध्य अंतरापृष्ठ को दर्शाती है। इसी तरह से अपचयन इलेक्ट्रोड में होने वाली अभिक्रिया में पहले विलयन में उपस्थित आयनों को दर्शाया जाता है तथा उसके पश्चात एक खड़ी लाइन खींचकर फिर उसके बाद धातु को दर्शाया जाता है तथा अभिक्रिया पूरी सेल अभिक्रिया को लिखने के लिए पहले ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड में होने वाली अभिक्रिया को लिखते हैं तथा बाद में अपचयन इलेक्ट्रोड में होने वाली अभिक्रिया को लिखते हैं तथा दोनों के बीच दो खड़ी लाइन खींची जाती है, जो कि लवण सेतु को दर्शाती है। इस तरह एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तथा विद्युत धारा का प्रवाह इनकी विपरीत दिशा में होता है तथा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। इस प्रकार की इस युक्ति को, जिसमें कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल कहा जाता है। प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रोडों के आधार पर गैल्वेनिक सेल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जब इलेक्ट्रोड के तौर पर जिंक तथा कॉपर की रॉड का उपयोग किया जाता है, तब गैल्वेनिक सेल को डेनियल सेल कहा जाता है। इस सेल से लगातार विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर बना रहे। हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे धातु की प्रकृति या आयनों की सांद्रता तथा विद्युत अपघट्य के ताप पर भी निर्भर करता है। यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में से भाग लेने वाली सभी स्पीसीज की सांद्रता 1 मोलर हो तथा अभिक्रिया का तापमान 298 केल्विन हो, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। एक मान्यता के अनुसार हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट होता है। किसी भी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होने का अर्थ है कि रेडॉक्स युग्म हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड की तुलना में अधिक शक्तिशाली अपचायक है, जबकि इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक मान दर्शाता है कि इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में दुर्बल अपचायक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का अत्यंत महत्व है, क्योंकि इसी के आधार पर ही गैल्वेनिक सेल के निर्माण हेतु उचित इलेक्ट्रोड का चयन किया जाता है।